हेलो गाइस, आज हम लोग जाएंगे हिडिंबा टेम्पल। ये देखो, हम लोग आ गए हैं लेव विलेज के पास में, जो कि मनाली के बिल्कुल पास में स्थित है। और ये राइट साइड में आपको ये रोड दिख रहा है, ये मनाली की ओर जाता है। और ये देखिए जंगल, कितने घने देवदार के जंग पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये जो लेव विलेज है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग रुकते हैं नाइट में। ये देखो हारू अपनी मम्मी के साथ में, और कैप भी लगा ली है। आज धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो हम लोग अब इसके बाद जाएंगे हिडिंबा टेम्पल की ओर। और ये यहाँ पे लोग वॉक करते हुए मनाली की तरफ भी चले जाते हैं, यहाँ लेव विलेज से। ये देखो कितना पीसफुल है गाइस। आप लोग आइए यहाँ पे लेव विलेज में स्टे करिए। चलो हम लोग मिलते हैं आपको हिडिंबा टेम्पल के पास। ये है हिडिंबा टेम्पल का गेट, यहाँ से होती है एंट्री हिडिंबा टेम्पल के अंदर। और यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। देखो फॉरेनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं पूरा। यहाँ पे खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे जगह जगह पे, मैगी के स्टॉल्स, लोकल फूड्स मिल जाएगा। और आगे यहाँ पे एक देखो ये क्राफ्ट है, यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन बनवा सकते हैं इसके, लकड़ी के क्राफ्ट उसमें। देखो बहुत क्राउड है यहाँ पे, आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये है यहाँ का लोकल याक, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनाली में। यहाँ पे इसके ऊपर लोग बैठ के फ़ोटो खिंचाते हैं। ये देखिए, ये आ गई अरु अपनी मम्मी के साथ, इसने चिप्स भी ले रखा है। ये देखिए कितनी हाइट है यहाँ पे देवदार के पेड़ों की। और वो रहा हमारा हिडिंबा का मंदिर। अब हम लोग जाएंगे वहाँ पे उसके पास में। आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, फोटो खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे मंदिर के पास में। वैसे तो जून का महीना है अभी, वैसे जब सर्दियाँ होती हैं तो यहाँ पे मंदिर में बर्फ़ भी रहती है। और अभी तो मूव करना बहुत ही इजी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आरू कितनी खुश है। ये देखो यहाँ पे एक लोकल गार्डन है, यहाँ पे लोकल फ्लावर्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो सामने आपको क्यू भी दिखाई दे रही होगी, लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। यह जो हिडिंबा माता का टेम्पल है, ये बोलते हैं कि ये जो हिडिंबा माता थी महाभारत के टाइम पे, ये भीम की पत्नी थी, हुआ करती थी, और उन्हीं के याद में ये बनवाया गया है टेम्पल। और यहाँ पे देखो कितना पीसफुल है, और कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे देवदार के। ये देखो आरू अब सैंडल पहन रही है, चलेगी नीचे, घूमेगी, मन कर रहा है। ये देखो इसने मिट्टी उठा ली है, हो, इसकी बहुत मिट्टी खाने की आदत है अभी। तो गाइस यहाँ पे जो लोग हैं ये बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और ये देखो आरू अपना चिप्स लेके पूरा घूम रही है और मज़े कर रही है। यहाँ पे सारे लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं आज। ये यारू कितनी खुश है, देख रहे होंगे आप लोग, पूरा उसको मज़ा आ जाता है ऐसी जगह पे जाके। ये देखो, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।